तनबेरे वो पुरानो तरीको यार है बर्तन माज के निर्वाला होशियार और पेट के ताग तो बुझे करे बात तो शांत होए आज देखिए जी भाई जी पे ठीक है थार तो लगभग तैयार है ही यार अब मैं कर दूं पान स्टार्ट है हां बस सेटिंग के लिए बाद में छत गल जी एक बात तू कर दी मैं तो मैं थाने बताऊं जी मुरारी जी शुरुआत करी और मुरारी जी ही मेरा गुरु है कॉमेडी गुरु मान लियो बने सब कुछ है भाई है जी पर मार डिपर देखिए रोड में चलाओगे मारे डिपर बारी बारी भाई जी तो देखो जी आज हमारे शूटिंग चल रहा लग रही है तो हमारे टीम मेंबर जी मुस्कान खत्री हो गया गौरी शंकर आ रहे हैं अरे ये भाई अरे बंगो नी ब्याह मांड दियो हां अरे थे ब्याह में के करूंगा जानते ही मैं करूंगा जानते ही पहला रांड नमस्कार दोस्तों स्वागत है थारो एक कॉमेडी कलाकार के इंटरव्यू के वीडियो के सागे और थे देखन लाग रहे हो लक्ष्मण के वीडियो दोस्तों आज को जी को वीडियो है वो कॉमेडियन लोकेश जी सेन है जी का मुरारी जी पारिक के सागे कॉमेडी वीडियो में काम करे है बंग जीवन परिचय है जी को इन वीडियो में दिखायो गयो है लोकेश जी सेन जी का कॉमेडियन है बे हरियाणा के रहने वाला है और हरियाणा में सिरसा जिले की तहसील है रानिया और रानिया के तहसील के अंदर गिंदड़ा गांव आवे है गिंदड़ा गांव का रहने वाला है लोकेश जी सेन दोस्तों ओ जिको गांव है ओ रानिया तहसील से 13 किलोमीटर और एलनाबाद से 23 किलोमीटर की दूरी पर ओ जिको गाँव है जिको बसेड़ो है एलनाबाद हूँ जी की रानिया रोड जावे है मीम पर डूडिया वाली एक गांव आवे है बैठे हूँ उतर गए और 4 किलोमीटर दूरी पर एक सिंगल रोड जावे है बा बांगे गिंदड़ा गांव में ही जावे है लोकेश सेन कॉमेडी के अलावा कॉमेडी की जी की स्टोरी है बांगे वीडियो पर वे ज्यादातर वे खुद ही लिखे है कॉमेडी के सेक्टर में सारों पहली जी की शुरुआत है बे मुरारी जी पारिक के सागे माँ शुरू करी और आज वर्तमान में भी मुरारी जी पारिक के सागे बे वीडियो में काम करने लाग रहे हैं लोकेश जी सेन का यूट्यूब पर खुद का भी 2 कॉमेडी चैनल है जिके में लोकेश सेन कॉमेडियन और लोकेश म्यूजिक के नाम उबांगा 2 चैनल भी है दोस्तों ओ जी को थे गांव को दृश्य देखने लाग रहे हो ओ गिंदड़ा गांव है और गिंदड़ा गांव का ही रहने वाला लोकेश जी है और लोकेश सेन को जी को जन्म है वो ई गांव में ही होयो है लोकेश सेन है जी का कॉमेडी के सेक्टर में काफी सफलता हासिल करी है और कॉमेडी के अंदर जी को बे किरदार निभावे है वो बड़ी बेखूबियों बे निभावे है बे आपकी मेहनत लगन और परिश्रम के सागे ई सेक्टर में आज कामयाबी की तरफ बढ़त बना रखी है लोकेश सेन एक हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति है दोस्तों अगर थे मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करियो सागे बेल आइकन यानी घंटी को निशान भी दबाइयो ताकि ई त्रियंगा जी का वीडियो है बांगा नोटिफिकेशन थार तक जल्दों जल्द पहुंच के दोस्तों ओ जी के घर गोद दृश्य थे देखन लाग रहे हो ओ लोकेश सेन जी का कॉमेडियन है बांगो ओ पैतृक घर है अन घरे चिट्ठी लिखी पापा ने आप गने कह बर पड़े थे फैमिली ने भेज दियो बाद में इंगे पापो अनपढ़ बेथन वेरो फैमिली समझ गए रजाई को भी रजाई मांग दो पालो पड़े फिर वहां पाछी चिट्ठी भेजी ली गई ने कह तेर ली तो फैमिली पार दी टावरा खेल खेल ये कह तो अच्छा भाई जी तो भाई जी कैसे हाँ पहली तो कदी कौन कहो यार तो कोई नहीं पहला कौन कहो तब कह दियो अच्छा मेरी बात सुनो मैं यहाँ कहो मैं थार ले घर का नहीं जाओ थाने मिलने खातर अब मिल लिया नहीं हुआ अब घर का इंतजार किए करो पाछ मुड़ जाओ अरे यहाँ कौन मिलनो तो क्या मिलनो मन्ने भाई जी पैसा चाहिए 50,000 रुपया 100,000 रुपया अरे कौन फांसी ले तेरा दिमाग खराब है फांसी लियो मैं ठेले लाग रहे हो अरे तो बालो हो रहे हो खराब हो बिना बंद हो नीचा आना हो रहे हो अच्छा मैं ये डर की एक अजेबड़ी देखो कितनी कमजोर है ये टूट जा फिर तारा हाथ पग टूट जाए फिर अच्छा मर भले ही जाऊँ हाथ पग ना टूटे पर दिमाग दिए भगवान तने ये बात है भाई
अरे भाई जी बात क्या हो रही, रोटी खाना बाहर खाना है हैं? अरे इया किया आ गयो, आ जाओ कुकर आ गयो इया नहीं अरे बाहर खान खातर आएंगे कोई सोचे के हो कोई बताओ के खराब है नहीं मैं तो देख होटल में सब बढ़िया होटल है रिस्पेक्टेड है बढ़िया ज्यादा आ गया नहीं ओ भाई साहब तो कह ला रहे हो फाइव स्टार का नहीं यार पचाला नमस्कार दोस्तों स्वागत है थारो मेरे ई चैनल पर और थे देखने लाग रहे हो लक्ष्मण के वीडियो आज को जी को वीडियो है वो हरियाणा में सरसा जिले की तहसील है रानिया और रानिया में गांव पड़े गिदड़ा गिदड़ा में बैठा अठे लोके सेन एक कॉमेडियन है जिका काफ़ी आजकल प्रचलित है तो बांगे सागे आपा आज बात करांगा बांगे जीवन पर बांग गठू किया शुरुआत करी तो लोकेश जी थे यहाँ बताओ भी थे ई कॉमेडी के सेक्टर में आया तो थाना गठू प्रेरणा मिली थे किया शुरुआत करी अंदर दर्शकान जानकारी दियो बिल्कुल जी तो बात ये लक्ष्मण जी शुरुआत तो मैं मुरारी लाल जी और वीडियो देख तो यूट्यूब पर तो मेरा आपके ने मोबाइल को नहीं हो भी टाइम है तो यार दोस्त है वो वीडियो देख तो बन मैंने वीडियो दिखाई मुरारी जी का देख यार कितनी बढ़िया वीडियो अपनी भाषा में कह तो बाकी वीडियो देख के मन यह लागो भी मैंने शौक तो बचपन ही हो कॉमेडी करण को लिखण को शौक हो ज़्यादा तो लिखता हूँ मैं जब मैं सोचो भी आप वीडियो देख के मैं वहाँ साथ संपर्क करा तो मेरी इच्छा है वहाँ साथ काम करूँ वीडियो में तो अंग मुरारी जी अंगे नीचे नंबर देड़ा तो मैं भी नंबर भाई मेरा आपके ने जब भी टाइम था समझ लिया मोबाइल हो ही को नहीं हो वो छोटो सौ भी मैं रिचार्ज को नहीं होता मेरे कने तो मैं के काम करता फिर बे नंबर हूँ आप यार दोस्त का जानते हो भी ना रोज़ भी घंटी मारते बे नंबर के ऊपर मैं डेली मतलब तीन चार महीना थी लगातार मैं भी फ़ोन पर मतलब घंटी मारते रही हो कोई उठान तो ही को नहीं हो या फिर स्विच ऑफ आन तो या कोई उठान तो को नहीं हो तो एक दिन फ़ोन उठायो मेरे शायद वो अन्नी पारी की फ़ोन चक्के वो दबाऊँ बात हुई मैं क्यों जी मुको मैं थासा का वीडियो में काम करना चाहूँ तो वहाँ मना कर दियो क्या देखो जी मैं कि नहीं वीडियो में लिया ही को नहीं कह तो मैं क्यों चलो कोई बात नहीं मैं मिल तो सका थारू कहाँ मिलने तो थाने गोगा सरगामा आ जाओ कह मैं चलो ठीक है जी फिर मैं दो चार दिन बाद में इनू मिनू को पीसाऊँ प्रबंध कर गए फिर गोगा सर गयो गोगा सर बठा ला गयो गठा कौन रहे पुला सरगामे रहे फिर बठू गोगा सर पछो आयो पुला सरगामे गयो मुरारजी और ने कई बार बैठे हो तो मैंने कहो जी मैं उतार सके वीडियो में काम करना चाहूँ मैं सिरसा हूँ आयु हरियाणा हूँ तो वे क्या देखो जी मिल लिया फोटो खींच लियो चाहे लेकिन मैं वीडियो में कि लिया ही को नहीं कह हमारी टीम है बस मैं दो जना हाँ जब मरनी पा रही कर महाराज जी सिर्फ दो ही याद उन्होंने कि मैं कि लिया ही को नहीं कह तो मैं भी बैठा बेशरम हो गए बैठे रहो कई बार ती तो मैं तो बारह आ गया बैग चक्के बारह आ गए बारह बैठे रहो चौकी पर फिर वहाँ चाह बनाई मुरारजी और हाँ दो बारी बारह चाह पकड़ा दी फिर मैंने मुरारजी रखे जाओ जी थारो बस को कोई टाइम है कोई और है तो लेट हो जाएगा थे तो मैं फिर भी बारह बैठे रहो मैं जाऊँ क्या क्यों मैं तो पूरे मन में ही धार के गए मंगसा काम लागण ही लागण है और एक आदमी अगर कोई इच्छा हो गया कोई चीज़ ने तो भगवान ही पूरी करे तो मैं कई बार बैठे रहो फिर मैं अंदर उठ गया बांक ने अंदर गयो तो भाई आपकी कॉमेडी की बात करा तो मैंने बैठा मैं पाँच छः स्क्रिप्ट बताई मैं यहाँ करके आई पे वीडियो बना लियो ई पर बना लियो तो मैंने स्क्रिप्ट आई पसंद है फिर मैं 20-25 दिन बाद में वापस बांकने गयो और भी बाद में फिर लगातार मैं मंगसा वीडियो मान लाग गयो तो लोकेश जी जब थे शुरू में जब कोई वीडियो शूट करियो जब कैमरा थे फेस करियो तो थाने इसी कोई परेशानी को नहीं है कि पहली बार थे कैमरा के आगे गया जब ना मन ने परेशानी को नहीं है जी बिल्कुल ही क्यों मैं पहली वीडियो ही मुरारी जी और सागा जी दिन में गयो नहीं पहली बारी मैंने मिलने जब एक वीडियो बांग सागा मैं भी टाइम शूट करी भी टाइम मोबाइल हूँ करता अभी तो बांगी भी इतना बंदोबस्त को नहीं हो भी टाइम कैमरा वगैरह मोबाइल हूँ करी लेकिन मन ने कोई दिक्कत को नहीं हुई जी पहली वीडियो ही मैंने यहाँ लागो भाई मुरारी जी ने मेरे लागो भी हाँ एक्टिंग तो कर सका हो और बिंग बाद में फिर मैं दूसरे गयो फिर मैं एक होटल पर वीडियो करी नहीं तो भी मैं एक ही बारी मैंने मुरारी जी सिर्फ 20 दिन पहली वीडियो मान लिया दूसरी वीडियो मान लिया दूसरी वीडियो में मैं एक शुरू में एक डायलॉग में अटक्यो बिंग मैं आज तक मैंने कठे कोई दिक्कत को नहीं है कैमरा का गया भी वीडियो बनाती बारी कठे कोई संकोच को नहीं मैंने तो थे लोकेश जी जब कॉमेडियन वालों वीडियो में काम करने लग गया तो थारो परिवार को कैसे हो गए हो देखो जी भैया तो पहला मैं गुड़गांव जॉब करते हो बा मैं छोड़ी हुई बाद में मैं खेती में लाग गया आगे तो मैं दो साल लगातार खेती करी दिन रात खेत में ही रहन तो और डायरी में मेरे कन्ने ही राग तो हमेशा ही लिखण शौक होन तो मुरारी जी रंगन कौन गेड़े पहला ही मेरे कन डायरी तो बैठो खेत का मैं लिख रहे तो कहानियाँ कुड़ियाँ जो भी को चुटकलो आ गए वो लिखे राग तो मेरे में तो पिताजी और मेरे साथ के फिर वह लड़ता मैं बैठो खेत में लिखी तो मन के चक्के फिर आए पन्ना फेंक दे जब मैं पिताजी और कहन तो मुको पापा एक दिन मुको करोड़ों कमा सी मुको कि कमाईड़ी है करोड़ों का दो तीन बारी मेरी डायरी भी फेंक दी कोठा का मैं खेत में उनती फिर मैं चक के पाछी रख लेन तो मैं तो आज भी डायरी के वजह हैं कुछ जो है लोग जाने पूरी दुनिया तो लोकेश जी जो थे सारों पहली मुरारी जी से काम करने लग गया तो पहलो थारो किसो वीडियो
मेरो जी मोटरसाइकिल मिस्त्री वालों भैया मोटरसाइकिल मांगने जाऊँ मुरार जी कने वो मेरे पहलो वीडियो जी मांग सके जब मैं मांगने कोई भी तारा मोटरसाइकिल दे दियो मन सही है जब फिर क्या कोई नहीं ले जा मोटरसाइकिल है ले लो टायर पंचर है मैं कोई नहीं पंचर कटा लूँगा फिर का इंडिकेटर कौन सा गया फिर का लाइट कौन सा गया यहाँ करके वीडियो हो तो बढ़िया चलो भैया अपना पहलो वीडियो तो मुरार जी सागर जी का थे वीडियो बनाया बा मैं ज़्यादा कोई प्रचलित वीडियो या भी कोई डायलॉग थारे कोई याद हुआ तो भैया तो देखो जी पूरा वीडियो हमारे जितना ही है वे सारा मिलियन ऊपर ही है जी सर प्रचलित है वीडियो शुद्ध कोई खास है एक वीडियो हमारो भिखारी आलो तो बिंग मा वो मैंने आज तो भी याद आया मैं मुरारी जी कहूँगा मैं एक घंटे तक मे भी ने सीन ने कर कौन पाया मतलब इतनी हंसी आई मैंने मैं मैंने बेरो भी एक्चुअली सीन के मेरा आँखा सामने पहले ही बात आई मैं एक घंटे तीन भी चीज़ ने ले गई हंसा मैं बारी बारी कैमरों स्टार्ट करा एक्शन बोल दे लेकिन वो बैठा आन तो ही अट जावा तो भी मैं मन पूरा एक घंटा लागे मैं पूरे एक घंटा दिया हाँ सा पेट दुखन लागे एक घंटा में वो सीन मारो छोटो सो सीन हो सिर्फ 10 सेकंड को तो कोई एक घंटा में पूरा हो मारो लोकेश जी थारा मुरारी जी के सागे वीडियो के अलावा थारो खुद को यूट्यूब चैनल है के नाम है मेरा चैनल को नाम है जी लोकेश एन कॉमेडियन का नाम वो चैनल है एक तो मेरे जगह पर मैं वीडियो डालते ही रहूँ बिंग बाद में एक चैनल और है जी लोकेश म्यूजिक अपनो तो अपना दो चैनल है भी पर अपना 70,000 सब्सक्राइब है और मेन जो चैनल है अपना लोकेश एन कॉमेडियन रहो तो भी पर अपना 2,40,000 सब्सक्राइब हो रहे हैं जी तो थे जी का अब थारो चैनल बना रखे यहीं पर थे कई सालों तो इमें भी करने लाग रहे हो और फिर अब दोबारा थे मुरारी जी के फिर लाग रहे हो हाँ मैं बीच में थोड़ी सी कोई भी कोई लड़ाई तो कौन नहीं हुई मेरी मुरार जी और सागे मैं कोई बात ही चलो मैं घरे आना चाहो मेरा जी करो मैं घरे जाऊँ तो मैं घरे आ गयो एक महीना डेढ़ महीना फ्री रहो बिंग बाद में फिर मैं चैनल खोल लियो मेरे रवि पर वीडियो गेयर ला गयो तो पब्लिक को बहुत ज़्यादा शौक रहे हो भी अपनी पहली वीडियो 2-2.5 लाख व्यूज़ आ गया और पहली वीडियो पर आपने कम से कम 20-25,000 सब्सक्राइब अपने एक वीडियो में अपना चैनल मोनोटाइज हो गया जी लोकेश जी जी का थे यूट्यूब चैनल थारा बना रखे बा मैं जब थे शुरू करियो और जब थे मुरारी जी शुरुआत करी तो 8 सेक्टर का जीता भी कॉमेडी का जी का चैनल चले बे किसा किसा कलाकार थे काम करियो है भैया तो देखो जी मैंने तो मैं थानू बताऊँ जी मुरारी जी हुई शुरुआत करी और मुरारी जी ही मेरा गुरु है कॉमेडी गुरु मान लियो बने सब कुछ है भई है जी जो कुछ भी आज मैं मुरारी लाल जी के वजह ही हूँ और तो बिंग बाद में तो जी अब ख्याली जी होना सागे भी एक दो वीडियो में काम करी हूँ सागा में तो अरे बिंग बाद में तो मैं यहाँ का अलग हो बिंग बाद में भैया तो काफ़ी चैनल पर मान लिया आपका चैनल पर ही काम करो और आप पर तो मैं ज़्यादा कहीं सागे करियो कौन जी कोई तो थारा जी के चैनल पर कई महिला भी कार्य करने लग रही है वीडियो मान लग रही है तो बे कौन कौन है तर सागे देखो जी मेरे वीडियो में सिर्फ अभी तक एक ही लड़की है अपना सगे लगातार वीडियो में आवे मुस्कान खत्री गंगानगर हुआ जी बे और भई आज तक अपने वीडियो में रहे है तो और तो कभी जरूरत पड़ी को नहीं एक आधा कोई रोल की जरूरत पड़ी है तो कोई लड़की दूसरी बुलाई नहीं तो अपन जरूरत कौन पड़ी जी कभी तो लोकेश जी थारो के लोकेशन रहो है जी का थे कॉमेडी का वीडियो शूट करो वे थारे एरिया में करो के और कोई अलग अलग शूट करना जाओ देखो जी अलग अलग ही शूट करने जावा मैं कई बार संगरिया जाना पड़ जाए हनुमानगढ़ भी करिए संगरिया राउसर हरेक जगह जावा जी अरे अब तो मुरार जी होना रह ला गयो दोबारा तो सारी लोकेशन सरदार शहर की है बाकी लोकेशन ही देखनी पड़े वीडियो के हिसाब हूँ अगर कच्चा मकान चाहिए कोई और चाहिए तो भी खातरी भी अपन देखना पड़े जी सारा कुछ तो लोकेश जी थाने कितो टाइम हो गया वीडियो में जी को थे यूट्यूब पर बना रखे थारो और या थे मुरारी जी शुरुआत करी तो थाने कितो समय हो गई अंदर मैंने पूरा 4 साल हो जी 2018 में स्टार्ट करियो जी हाँ 2022 साल है 2018 में स्टार्ट करियो जी मैं काम मुरारी जी होना सागे तो जद को लगातार बस अब 4 साल ही मान लो जी इतनी टाइम हो अपन तो थे गाँव में जो थेरा इमें शूट करो तो ये गाँव में थारे गाँव वालों को कैसे योग रहो है अपनों गाँव रहा हूँ जी पूरा फुल सहयोग है कोई घर खातर कौन अट्ट है कोई चीज़ की जरूरत पड़े तो कौन अट्ट है हर क्यों अपन किरदार भी चाहिए कोई मान लो जरूरत पड़ जाए भी कि एक्टिंग की तो ये आप कि नहीं कह दें तो यहाँ कौन कह कोई मैं कौन करूँ या मेरू कौन हो हाँ ठीक है भी कैमरों कौन फेस करना है तो वो मैं उन्हें सिखा दूँ यार बाकी अपने गाँव को पूरा सहयोग है जी कोई आदमी कि घरे आप उड़ जावा तो यहाँ कौन कह भी अठे कौन करो अठे ना करो अपने तो फुल इज्जत ही करे जी कट्ठी जावा तो लोकेश जी और जी को गिंदड़ा गांव है वो थारो पैतृक है थारो जन्म ही गाँव में ही होड़ो है हाँ मेरो पैतृक गांव है जी मेरो जन्म अठी होड़ो है जी और लोकेश जी थारे परिवार में कौन कौन है थार सागे सागे तो देखो जी अब तो पिछला 2 महीना हो गया मेरा पिताजी और एक्सपायर हो गया जी तो अब मम्मी है भाई है अपने 3 बहन है मेरे और बड़ो भाई भी है और बस वही परिवार है जी अपना 2 अपना भतीजा है तो एजुकेशन में थे कट तक पढ़े डाओ एजुकेशन जी मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा करियो जी अरबिंग बेस पर ही मैं गुड़गांव नौकरी लग गयो लेकिन मैंने वो काम पसंद को नहीं है क्योंकि मैं हमेशा ही खुल्लो सो रहना चाहो तो बैठे यहाँ बाजो बाज जिंदगी जी सुबह ही बस
टाइम उठ जाओ, फिर रोटी बनाओ, फिर बात जो, फिर कंपनी में जाओ, फिर शाम ने मोड़ा आओ। मैं इं लागे भी कोई जिंदगी को नहीं, मतलब कोई अपना या जीण को ला रहे या बंदी समझ रहे इं रहते भी बात जो तो बाद जाओ रहो, और फिर मैं छोड़ दी नौकरी में कोनी पार कौन पड़ा अपना। लोकेश जी थारो जी को यूट्यूब चैनल बनेड़ा है कॉमेडी वाला, बा में थारे सागे टीम है जी की किसी किसी है, कौन कौन थारे सागे लोग काम करे? देखो जी मेरे सागे काम करने में जी आंगो बहुत बहुत एक तो धन्यवाद करूँगा जो मेरी टीम में है अभी, तो गौरी सोखल है, गौरी शंकर सोखल एलनाबाद हूँ, मुस्कान खत्री गंगानगर हूँ, जो का स्टार्टिंग में थाने कही हुई भी अपने वीडियो में सिर्फ एक ही लड़की आवे, आज तक हमेशा बही आवे भी, बाद में अपने जिजो जी है जी मेरे खुद का जो बांगो बहुत शौक रहे हो जी, अनिल परिहार नुइया वाली गामू है जी, तो बांगो पूरा शौक रहे हो मेरा हर वीडियो में, मतलब आपको टाइम भी देनता आनता भी या शूटिंग करानता, तो आजकल प्राइवेट जॉब में लाग रहे आज मैंने टाइम कौन मिले, अर बांक ने भी मेरा दूसरा चैनल है भी खातर मैं शूटिंग करूँगा तो जाऊँगा बांक ने, अरबिंग बाद में जी संदीप चार, संदीप जी चार है मल्लड़खेड़ा गांव है बांगो अपने इन संगरिया करना, तो बांगो भी बहुत शौक रहे है, तो भी शुरू में जब अलग चैनल खोलियो तो बा मेरू जुड़िया अचानक की कुदरती फ़ोन आयो बांगो क्या जी मैंने वीडियो में काम करना है तो मैंने बुलायो, बिंग बाद में लगातार मेरे सा गए वीडियो मानता रहा, लेकिन अब भी आप गए बीकानेर कोई काम ला रहे और बन दोबारा टाइम जब भी मिला हो तो मेरे सागे वीडियो में फिर आवेगा जी। लोकेश जी आज थे थारे कीमती समय में जिको मैंने समय दियो है बिंग लिए थारो बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आज मैं आगे आयो आगे गांव में ही आज वीडियो शूट करना आ गया, अभी मूवी मैंने टाइम दे गए, आज आपके बारे में आज की जानकारी है बात ही है बिंग लिए थारो बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जी थारो ही धन्यवाद, जो को थे आगे पूछे मारू को सवाल करे है जो हमारे दिल में है कि बतावा कोई बात हुई आप क्या आया क्या कामयाब होया, और बाकी दर्शकों को और धन्यवाद है जिसका मेरा मतलब आज 2,40,000 जगह फॉलोअर है सब्सक्राइब है, तो बस पब्लिक को ही है जी अपनों तो की है क्यों पब्लिक देखे है जब आप हाँ कुछ नहीं तो आप कोई चीज़ को नहीं आकी आगे जी, तो धन्यवाद जगह मेरे सागे पब्लिक जुड़ रही है, और आगो भी चैनल लक्ष्मण के वीडियो हनुमानगढ़ तो इन्हें भी थे सब्सक्राइब करियो और आगे शेयर करियो, तो ज़्यादा ज़्यादा देखे करो ये भी प्रयास कर लाग रहे हैं तो अन्य भी सहयोग करो आगो, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। तो देखो जी आज हमारे शूटिंग चल लाग रही है, तो हमारे टीम मेंबर है जी मुस्कान खत्री हो गया, गौरी शंकर आ रहे हैं, अरे ये भाई साहब अपने सिरसा आया लवप्रीत, तो कैमरा मैन कोई काम करे और की भाई ने अगर जरूरत हो कोई गाना शूट कराना हो या कॉमेडी वीडियो शूट करानी हो तो जरूर संपर्क करियो भाई साहब है, और बाकी अब लागा में शूटिंग है तो धन्यवाद जी, देखता रहियो वीडियो, राम राम, धन्यवाद जी। दोस्तों आशा करूँ कि थाने वो वीडियो पसंद आयो सी, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय हरियाणा।